1568 में आज ही के दिन मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया था। 1740 में आज ही के दिन मारिया थेरेसा ऑस्ट्रिया हंगरी और बोहेमिया के शासक बनी। 1774 में आज ही के दिन कोलकाता भारत की राजधानी बनी थी। आज ही के दिन 1822 में लंदन संडे टाइम्स का पहला अंक प्रकाशित हुआ। 1880 में आज ही के दिन एम्स्टर्डम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1905 में आज ही के दिन रूस में 11 दिन तक चले ऐतिहासिक हड़ताल की शुरुआत हुई। 1920 में आज ही के दिन पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धार्थ शंकर राय का जन्म हुआ। 1962 में आज ही के दिन भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर युद्ध शुरू हुआ था। आज ही के दिन 1973 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी में ओपेरा हाउस को पहली बार जनता के लिए खोला गया। 1978 में आज ही के दिन आक्रामक बल्लेबाजी के प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग का जन्म हुआ था। साल 2007 में आज ही के दिन अली लारिजानी के त्याग पत्र के बाद ईरान के विदेश उपमंत्री सैयद जलाली नए प्रमुख परमाणु वार्ताकार बने। साल 2011 में आज ही के दिन लीबिया पर 40 साल तक एक छत्र राज करने वाले तानाशाह मोहम्मद कद्दाफी को गृह युद्ध में मारा गया।